गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास नाइन्थ। क्लास नाइन्थ में हमने आपको पूरा पादप जगत बता दिया था, और पादप जगत में मैंने आपको उसका पहला उपजगत थैलोफाइटा बता दिया था। आज आपका दूसरा उपजगत आता है ब्रायोफाइटा। ठीक, तो आज हम जानेंगे कि ब्रायोफाइटा क्या होता है, ब्रायोफाइटा की विशेषताएँ क्या होती हैं। ब्रायोफाइटा की विशेषताएँ मैंने जब आपको वो पूरा जगत का पूरा वर्गीकरण बताया था, तो उसमें मैंने आपको बता दिया था कैसे इसकी विशेषताएं याद रखनी है। और तो जो विशेषताएं मैंने वहां पर बताई थी, बस उसी को मैंने पॉइंटों में लिख दिया है। तो चलिए ये जानते हैं ब्रायोफाइटा के विषय में। तो वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएँ ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्रायोफाइटा विशेषताएं। विशेषता नंबर एक, इनका शरीर थैलोफाइटा की अपेक्षा, यहां पर थैलोफाइटा हो जाएगा, थैलोफाइटा की अपेक्षा अधिक विकसित होता है। क्योंकि हमको पता है कि जो पहले आता है वो पहला उपजगत आता है थैलोफाइटा, तो थैलोफाइटा के बाद इनका आता है दूसरा, जो दूसरा है वो आता है ब्रायोफाइटा। तो जो ब्रायोफाइटा है वो थैलोफाइटा के बाद आता है, अर्थात थैलोफाइटा की अपेक्षा तो ये अधिक विकसित होंगे। तो यही इनकी विशेषता है कि इनका शरीर थैलोफाइटा की अपेक्षा अधिक विकसित होता है। दूसरा पॉइंट, इनमें सख्त जड़ तनाव व पत्तियां नहीं पाई जाती हैं। देखिए, इनमें अगर आपसे पूछा जाए कि इनमें जड़ तनाव पत्तियां पाई जाती हैं, तो इनमें जड़ तनाव पत्तियां होती हैं। हमें इनमें जड़ तना पत्तियां जो पत्तियों जैसी संरचना तो दिखाई देगी कि ये जड़ है, ये तना है, ये पत्ती है, इसकी संरचना तो दिखाई देगी, लेकिन वो सत्य जड़ तना और पत्ती नहीं होगी। ठीक, तो जो यही इसका पॉइंट है कि इसमें सत्य मतलब ट्रू जड़ तना पत्तियां नहीं होती हैं। ठीक, वो केवल आभासी होती हैं। तीसरा पॉइंट, इनमें जड़ के स्थान पर, जो अभी बता चुके हैं कि इनमें जड़ के स्थान पर मूलाभास, इंग्लिश में क्या कहते हैं इसे, राइजोइड्स कहते हैं। ठीक, इनमें जड़ के स्थान पर राइजोइड्स होते हैं। ठीक, राइजोइड्स होते हैं जो जड़ का काम करते हैं। तो इनमें जड़ के स्थान पर मूलाभास अर्थात राइजोइड्स होते हैं जो मृदा से जल व खनिज लवणों का अवशोषण करते हैं। ठीक, जो मृदा से जल व खनिज लवणों का अवशोषण करते हैं, मतलब इनका काम वही है जो जड़ का होता है, लेकिन ये जड़ नहीं होते हैं। क्योंकि जड़ की जो इंटरनल स्ट्रक्चर होती है, जो आंतरिक संरचना होती है, वो अलग प्रकार की होती है। जो राइजोइड्स होते हैं उनकी संरचना अलग प्रकार की होती है, इसलिए हम लोग राइजोइड्स को जड़ नहीं कह सकते हैं। ठीक, तो जड़ के स्थान पर मूलाभास अर्थात मूलाभास मतलब मूल का मतलब जो मूल माने का होता है जड़, आभास मतलब क्या होता है, उनका आभास होना, मतलब यहाँ पर जड़ का आभास होना, मतलब इसमें वास्तविक जड़ नहीं है, केवल जड़ जैसी संरचना है, जिसको क्या बोलते हैं, राइजोइड्स कहते हैं। ठीक, जो मृदा से जल और खनिज लवणों का अवशोषण करते हैं। अगला, इनमें संवहन ऊतक, संवहन ऊतक कौन होते हैं, जाइलम व फ्लोएम। तो इनमें संवहन ऊतक जाइलम व फ्लोएम नहीं पाए जाते हैं, इनमें जाइलम व फ्लोएम नहीं पाए जाते, मतलब इनमें संवहन ऊतक नहीं पाए जाते हैं। अगला, ब्रायोफाइटा नम व छायादार स्थान, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये पॉइंट बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ब्रायोफाइटा नम व छायादार स्थानों पर पाए जाते हैं, इसी कारण इनको पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है आपसे, पूछा जाता है कि पादप जगत का उभयचर किसे कहा जाता है। तो पादप जगत का उभयचर किसे कहा जाता है, ब्रायोफाइटा को, ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि क्यों कहा जाता है। तो देखिए, पादप जगत का उभयचर ब्रायोफाइटा को इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनको अपने जीवन के लिए मतलब छायादार स्थान भी जरूरत होती है और जल की भी आवश्यकता होती है। अगर इनको जल नहीं मिलेगा तब भी ये नष्ट हो जाएंगे, और अगर ये छायादार स्थान नहीं मिलेगा तब भी ये नष्ट हो जाएंगे। अर्थात इनके जीवन के लिए इसमें मतलब जल और छायादार स्थल, जल और स्थल दोनों की आवश्यकता होती है। इनको जीवन के लिए जल और स्थल दोनों की आवश्यकता होती है, जिस कारण से इनको पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। इसका उदाहरण कौन सा है, जैसे रिक्सिया है, मार्केंसिया है, मॉस, मॉस मतलब क्या होता है, इसे क्या कहते हैं, फ्यूनेरिया कहते हैं। तो रिक्सिया, मार्केंसिया, फ्यूनेरिया आदि जो है वो ब्रायोफाइटा के उदाहरण हैं। तो उम्मीद है कि ये आपको टॉपिक समझ में आया होगा। तो आज के लिए केवल इतना ही, बाकी फिर नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए जय हिंद।